बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम में 1961 में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त किया जाए, क्योंकि इस अधिनियम में संशोधन होने के उपरांत अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर विपरीत असर पड़ेगा और उन्हें न्यायालय में काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात अपना पक्ष न्यायाधीश के सम्मुख रखने में दिक्कतें आएंगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधनों के विरोध में वे अपनी बात बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के समक्ष भी रखेंगे। सर, किस विषय में आज आपने ज्ञापन दिया? आज हमने हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक अधिवक्ता अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तावित है, जिसके द्वारा हमें अपने न्यायालय के समक्ष अपनी बात पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे अधिकार के साथ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल हमने ये लड़ाई अभी ज्ञापन के माध्यम से लड़ रहे हैं। हमने ज्ञापन जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को प्रेषित कर दिया गया है। उनसे निवेदन किया गया है कि इन संशोधनों को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाए और अगर वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तो ये निश्चित बात है कि हम अधिकारों अपने अधिवक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं।